अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फर्स्ट टाइम आए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, लेट्स गो। भाई मेरी गाड़ी बनने गई हुई थी और मेरी ही लापरवाही की वजह से ख़राब हुई थी, तो आज ये बन गई है। ओह माय गॉड, वाओ! मतलब लापरवाही इन अ सेंस ये हुई कि ऑयल ख़त्म हो गया था। अभी कुछ अर्से पहले मेरे हाथ पे गाड़ी आई है तो थोड़े से लापरवाही हो गई थी, ऑयल चेक करने भूल गया था मैं। तो अभी जो पिछले शादी वादी गुजरी चाचू की, उसमें ऑयल बिल्कुल ख़त्म था गाड़ी में, और हम गाड़ी चलाया जा रहे हैं। उसने बोला कि बस अब बहुत हो गया है, अब ज़मीन पर आ जाओ। फिर वो ऐसी ख़राब हुई कि फिर इसको फिर बनने दिया, तो अभी ये थोड़े दिन पहले बनकर आई है। तो आज हमने सोचा कि आज इसको ट्राई करते हैं। बेसिकली इंजन सीज़ हो गया था, और आप लोग जानते हैं इंजन सीज़ होता है तो क्या होता है, तो बस ये हुआ था, तो ऐसा नुकसान हो गया हमारा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब हो गई, बन गई, सब कुछ सेट हो गया। अब इसको टेस्ट ड्राइव लेंगे आज। बाइक वाला चले जा रहा। हाँ भाई, तो मैं बोल रहा था कि आज हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे और फिर देखते हैं कि सही चल रही है नहीं चल रही, क्योंकि सही है वैसे जिनसे मैं बनवाता हूँ वो अच्छी बनाते हैं। एक दफ़ा मैंने आप लोग को याद होगा, आप लोग को एफएक्स का भी दिखाया होगा, बताया होगा मैंने, तो उनसे सही करवाई है। अब ये कि अब चेक करेंगे सही चल रही है नहीं चल रही है, अब जो भी कुछ होगा आपको फिर दिखाएंगे, अब तो देखते हैं। A little longer than a few minutes later. जी भाई, तो अभी मैं जा रहा हूँ सदर, नानी को डॉक्टर के पास दिखाना है। सदर से मुझे मतलब चिढ़ आती है जाने में, क्योंकि दूर बहुत है, तो मैं वहाँ पे अवॉइड ही करता हूँ वहाँ जाना। दूर बहुत है, सफ़र बहुत लंबा हो जाता है वहाँ का, लेकिन अभी जाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर बैठते हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो नानी को दिखाना है उनको, तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ और फिर देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। बाकी सबको दुआ में याद रखिएगा, जो भी लोग बीमार हैं या जो भी हैं सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अभी चलते हैं सदर। जी भाई, तो ये है सिविल हॉस्पिटल की तरफ का एरिया जहाँ पे वो डॉक्टर अर्शद बैठते हैं, जिनको कैप्टन भी बोलते हैं। और ये है उनका क्लिनिक। मच 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 लेटर। भाई इस टाइम हो रहे हैं रात के 12:30 और अभी तक हम फारिग हुए नहीं हैं डॉक्टर के पास से, क्योंकि माशाल्लाह से डॉक्टर अच्छे हैं, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन वो बहुत सही से देखते हैं, मुआयना करते हैं, तो बहुत देर में नंबर आता है, बहुत देर में बारी आती है। तो ये कि अभी नानी की बारी तो आ गई है, लेकिन खाला भी आई हुई अपनी बेटी को दिखाने, तो वो भी दिखा रहे हैं। तो अभी 12:30 हो गए, हम लोग आ गए थे यहाँ पर 10:30, तो अभी तक फारिग नहीं हुए हैं, तो अभी बस वेट कर रहे हैं। गर्मी भी ऐसी दबा के गर्मी हो रही है ना, अब देखते कब तक फारिग होते हैं, फिर आपसे दोबारा बात करते हैं। जी भाई, तो फाइनली खाना भी खा लिया और मैं घर भी आ गया, दिखा दिया डॉक्टर को, और दुआ में याद रखिएगा बस कि अल्लाह ताला सबको शफाए कामिल अता फरमाए। तो उम्मीद है आप लोग को आज का लेज़ी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। भैया के वहाँ पर डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन उनके पास जो है टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि वो आते ही लेट हैं और उनके पास पेशेंट्स इतने आते हैं कि बारी बहुत देर में आती है, तो उनका नंबर लेने के लिए तकरीबन 8:30 बजे जाना पड़ता है, और डॉक्टर आते हैं 11:30 बजे,
तो ये कि वो खाला को अपनी बेटी को भी दिखाना था, तो उनका घर थोड़ा सा करीब है, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करीब है उस डॉक्टर के पास से। तो वो नंबर लेके वो वहाँ पे वेट कर रही थी। फिर 10:30 बजे हम लोग गए, तो हम लोग को आते आते ये टाइम हो गया, और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 2:15 बज रहे हैं, तो ये टाइम हो गया आते आते। तो डॉक्टर अच्छे हैं और शफा भी उनके हाथों में माशाल्लाह से, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था आते आते हम लोगों को। और उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। नहीं अच्छा, एक और लास्ट चीज़ शेयर करनी थी दिल में एक बात। एक तो ये कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला आमिर लियाकत उनकी मगफरत फरमाए। एक तो हमारे इतना डबल स्टैंडर्ड है हमारी कौम में, मुझ समेत, मैं अपने आप को भी मिला रहा हूँ, मैं बेफिक्र रहे, मैं अपने आप को इससे अलग नहीं कर रहा, मैं अपने आप को मिला रहा हूँ कि जब बंदा ज़िंदा होता है तो आप उसको ट्रॉल करो, उसका मजाक बनाओ, उस पर मीम बनाओ, सही है, और फिर जब वो मर जाता है तो उसके फिर उसकी फिर दुआएं करो और उसको फिर अच्छी चीज़ों से याद करो। जब बंदा ज़िंदा होता है तो उसकी कदर नहीं होती है, वही सही बात है, जब इंसान मर जाता है ना बाद में उसकी कदर होती है। तो ये कि कुछ भी किया, एक तो सबसे बड़ी बात है मुझ समेत, अगर मैं अपने आपको मिला रहा हूँ, कि हम लोग के अंदर जो एक बीमारी कीड़ा है ना जज करने का, ये शायद मेरे ख्याल से शायद ही कभी ख़त्म हो। तो हमें चाहिए कि इस चीज़ का इलाज भी है इस कीड़े का, इस बीमारी को निकालने का, कि हम किसी को ऐसे जज ना करें, क्योंकि जज करने का सिर्फ़ और सिर्फ हक सिर्फ अल्लाह ताला का है, और अल्लाह ताला पे ही सूट करता है जज करना कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है। तो हम किसी के अच्छे बुरे से उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि वो जहन्नुमी है या वो जन्नती है, ये सब अल्लाह ताला के काम है। इस पर आप लोग नहीं पढ़ें मुझ समेत तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब यह है कि उनका इंतकाल हो गया है, तो उनको अच्छी बातों से उनको याद करें और उनकी मगफरत की दुआ करें और अपना इलाज करवाएं मुझ समेत। हमें चाहिए कि हम अपना इलाज करवाएं इस बीमारी का जज करने की, और अगर इलाज नहीं मुमकिन तो नमाज से हम हिदायत ले सकते हैं, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम किसी को भी अपने से कम तर या ज़्यादा ना समझें, या किसी को डिग्रेड ना करें, किसी को ट्रोल ना करें, और किसी का मजाक ना बनाएं, और फिर उसके मरने के बाद उस पर अफसोस ना करें। तो बस यही मुझे कहना था कि अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। और प्लीज़ खुदारा, आप लोग को नहीं पता होता कि इंसान किस चीज़ से किस उससे गुजर रहा होता है, ये हम नहीं जानते, ये सिर्फ वो इंसान जानता है और अल्लाह ताला जानता है। तो इसलिए आप लोग हर किसी का मजाक बनाना बंद करें मुझ समेत, मतलब मुझे भी अपने पर ही लागू करना चाहिए कि हम किसी का मजाक ना बनाएं, ना किसी को ट्रोल करें। बस मुझे यही कहना था, बस दुआ में याद रखिएगा, जो लोग ज़िंदा हैं उनकी कदर कीजिए, किसी का मजाक ना बनाएं, ना अपना मजाक उड़वाएं, ये मुझे कहना था। तो बस मैं एंड करता हूँ आज का ब्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, फर्स्ट टाइम आया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह तआला आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, पीस आउट, ओके।